हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम क्लास नाइन्थ की पांचवी सीरीज़ लेकर आए हैं, जिसमें हम एक्सरसाइज 13.1, जो नई बुक है ना, नई बुक के हिसाब से एक्सरसाइज 11.1 और जो पुरानी बुक है उसके हिसाब से एक्सरसाइज 13.3 है ना। तो नई और दोनों बुक को, जो जिनके पास पुरानी बुक है वो क्वेश्चंस को देखेंगे एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 5, और जिनके पास नई बुक है वो एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्व करेंगे। तो इस सीरीज़ में आज हम दो क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 होगा और एक क्वेश्चन नंबर 6 होगा। नेक्स्ट सीरीज़ में हम इस एक्सरसाइज को फिनिश कर देंगे करके, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट लेंथ ऑफ टॉर्पोलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक ए कॉनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर एंड बेस रेडियस 6 मीटर। कह रहा है कि व्हाट लेंथ ऑफ टॉर्पोलिन, तो टॉर्पोलिन के, कोई टॉर्पोलिन है, कुछ एक मटेरियल है टॉर्पोलिन का, तो उस मटेरियल का क्या लेंथ होगा यदि वो 3 मीटर चौड़ाई उसकी क्या है, उसकी जो विड्थ है वो कितना है, 3 मीटर है। विल बी रिक्वायर्ड टू मेक ए कॉनिकल टेंट, जिसका प्रयोग करके हमें कॉनिकल टेंट बनाना है, और उस कॉनिकल टेंट की हाइट कितनी होनी चाहिए, 8 मीटर होना चाहिए, और बेस रेडियस कितना होगा, 6 मीटर होगा। मान लीजिए कि ये हमारा टॉर्पोलिन हो गया, देखिए ये टॉर्पोलिन हो गया, इस टॉर्पोलिन का प्रयोग करके हमें एक कॉनिकल टेंट बनाना है, इस तरह से हमें एक कॉनिकल टेंट बनाना है, देखिए कॉनिकल टेंट हो गया, इस कॉनिकल टेंट का जो हाइट है वो 8 मीटर होना चाहिए, तो इस कॉनिकल टेंट का हाइट 8 मीटर होना चाहिए, और साथ में इसका जो बेस रेडियस होगा वो कितना होगा, 6 मीटर होगा, ये बेस रेडियस 6 मीटर होगा। फिर कह रहा है कि और ये जो इसका लेंथ हमें मान लीजिए, इसका लेंथ मान लीजिए कि जो टॉर्पोलिन का लेंथ है, मान लीजिए लेट द लेंथ ऑफ टॉर्पोलिन, द लेंथ ऑफ टॉर्पोलिन टॉर्पोलिन वॉज एल मीटर। मान लीजिए इसका लेंथ क्या था, एल मीटर था, इस टॉर्पोलिन का लेंथ एल मीटर था, और ब्रेथ कितना दिया हुआ है इसका, इसका ब्रेथ देखिए दिया हुआ है, व्हाट लेंथ ऑफ टॉर्पोलिन, इस टॉर्पोलिन का क्या लेंथ होगा, जबकि इसका ब्रेथ कितना दिया हुआ है, 3 मीटर। तो मान लीजिए ये ब्रेथ हो गया आपका 3 मीटर हो गया। अब इसके बाद पढ़ते हैं, क्वेश्चन कह रहा है एज्यूम करिए कि दैट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल विल बी रिक्वायर्ड टू स्टिचिंग मार्जिन्स एंड वेस्टेज इन कटिंग इज अप्रॉक्स 20 सेंटीमीटर। हुआ क्या कि पहले जब हम मार्केट से इस टॉर्पोलिन को लेकर आते हैं तो उस टॉर्पोलिन का लेंथ रहा होगा एल मीटर, जो कि हमें पता नहीं है, वही फाइंड आउट करना है, और इसका विड्थ था 3 मीटर। लेकिन जब इसका प्रयोग करके ये कोन बनाया गया, इस कॉनिकल टेंट को बनाया गया माय डियर, तो इस कॉनिकल टेंट को बनाने के लिए उसमें क्या किया गया, उसमें स्टिचिंग किया गया, कुछ मार्जिन दिया गया, और साथ में उसमें कटिंग वगैरह करने में कुछ मटेरियल वेस्ट भी हुआ। तो ये स्टिचिंग मार्जिन्स और वेस्टेज में और कटिंग में क्या हुआ कि जो 20 सेंटीमीटर का लेंथ था, लेंथ कितना था, 20 सेंटीमीटर का लेंथ जो है यहाँ से यूज़ हो चुका, खराब हो चुका, वेस्ट हो चुका, वो क्या हो गया, वेस्ट हो गया। देखिए द एक्स्ट्रा लेंथ मटेरियल विल बी रिक्वायर्ड टू स्टिचिंग मार्जिन इन वेस्टेज इन कटिंग इज अप्रॉक्सिमेटली 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब इसमें हम स्टिचिंग देने के लिए, मार्जिन देने के लिए, सो कटिंग करने के लिए हमने 20 सेंटीमीटर का लेंथ यूज़ कर लिया, मतलब वो एक्चुअल में हम मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल विल बी रिक्वायर्ड टू स्टिचिंग मार्जिन एंड वेस्टेज इन कटिंग इज अप्रॉक्सिमेटली 20 सेंटीमीटर, है ना। तो वो मार्जिन वगैरह करने में उसको हमने यूज़ कर लिया इधर कहीं पे, या फिर वो वेस्ट हो गया ऐसा मान लो आप। तो हुआ क्या, इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअल में जो लेंथ यूज हुआ, एक्चुअल में जो इसका कर्व सर्फ कर्व बनाने में प्रयोग हुआ, समझिएगा ध्यान से, इस मटेरियल से जो इस कोण का कर्व बनाने के लिए जो एक्चुअल लेंथ यूज हुआ वो हमें फाइंड आउट करना है। इसका मतलब यहाँ से जो मान लेते हैं पहले लेंथ कितना रहा होगा, एल मीटर रहा होगा, लेकिन इसमें 20 सेंटीमीटर का जो लेंथ था वो वेस्ट हो गया, है ना, कटिंग वगैरह करने में और चीज़ें करने में वेस्ट हो गया। तो 20 सेंटीमीटर का जो लेंथ था, देखो यहाँ पे मार्जिन्स स्टिचिंग, मार्जिन्स स्टिचिंग, है ना, और वेस्टेज जो हुआ हमारा कटिंग में, प्लस जो हमारा वेस्टेज हुआ वो कितना था, 20 सेंटीमीटर था लेंथ यूज्ड। यहाँ लिखेंगे लेंथ यूज्ड इन मार्जिन स्टिचिंग वेस्टेज कितना, 20 सेंटीमीटर। इस सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दीजिए, तो 20 मीटर में चेंज करने के लिए 100 से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 0.2 मीटर हो जाएगा।
ये इससे कट जाएगा, 0.2 मीटर वेस्ट हो गया। इसका मतलब पहले लेंथ था एल मीटर, 0.2 तो हमारा वेस्टेज वगैरह में निकल गया, कटिंग वगैरह में निकल गया, तो एक्चुअल लेंथ कितना बचा इस टॉरपोलिन का जिसका यूज करके ये बनाया गया, वो बचा एल माइनस 0.2 मीटर, इतने का यूज करके इसे बनाया गया है ना। अब ये किस फॉर्म में है, लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है, तो क्या हो गया ये रेक्टेंगल हो गया, तो इसका जो एरिया होगा वही इसका कर्व सरफेस एरिया होगा, इसका जो एरिया होगा उसी का प्रयोग करके तो इसका कर्व बनाया गया होगा, कर्व सरफेस एरिया इसी का प्रयोग करके, इसी मटेरियल का यूज करके इसके चारों तरफ का कर्व सरफेस एरिया बनाया गया होगा। तो यहां लिखेंगे एरिया ऑफ टॉरपोलिन, एरिया ऑफ टॉरपोलिन, टॉरपोलिन इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है। अब एरिया ऑफ टॉरपोलिन क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, इसका लेंथ कितना बचा जिसका यूज करके कर्व बनाया गया, एल माइनस 0.2 लेंथ हो गया, इसका ब्रेथ कितना हुआ 3 मीटर, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कोन का कर्व सरफेस एरिया कितना हो गया, पाई आर एल होता है ना। ये देखिए ये हो जाएगा एल माइनस 0.2 इंटू 3, पाई का वैल्यू कितना रखना है 3.14 रखना है, तो ये हो जाएगा 3.14 इंटू रेडियस, आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है। अब देखिए एल का वैल्यू हमारे पास है क्या, नहीं है, एल निकालना पड़ेगा, एल का वैल्यू निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास एच का वैल्यू है, कोण का ये हाइट दिया हुआ है और ये रेडियस दिया हुआ है, एल का वैल्यू हमें निकालना है, कैसे निकालेंगे बताइए, बताइए बताओ बच्चों, एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू सॉरी आर स्क्वायर, आर का वैल्यू कितना 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस एच, एच का वैल्यू कितना 8 का स्क्वायर, 6 6 जा 36 8 8 जा 64, ये कितना हो जाएगा बच्चों 100 हो जाएगा, तो एल स्क्वायर का वैल्यू 100 आ गया, तो एल का वैल्यू कितना आ जाएगा 100 है, तो यहाँ से जब स्क्वायर हटाएंगे तो ये अंडर रूट 100 हो गया, तो एल का वैल्यू कितना आ गया 10 मीटर आ गया, यानी जो स्लैंट हाइट आ गई वो कितनी आ गई 10 मीटर, तो ये देखिए ये 10 मीटर हो गया, ये 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो किस में चला जाएगा डिवाइड में, एल माइनस 0.2 इक्वल टू 3.14 इंटू 6 इंटू 10 अपॉन कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, एल माइनस 0.2 इक्वल टू 2 10 जा, अब 2 का मल्टीप्लाई 4 में 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 6.28 इंटू 10 हो जाएगा, तो एल माइनस 0.2 इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई करिए तो 62 पॉइंट कितना हो जाएगा बच्चों 8 हो जाएगा, 62 पॉइंट क्या हो गया 8 हो गया। अब इस 0.2 को राइट में भेजिए तो एल इक्वल टू हो गया 62.8 प्लस 0.2 कितना 2, तो ये हो गया एल इज इक्वल टू 62.8 प्लस 0.2 कितना हो गया 63 मीटर, तो उस कितना लेंथ उसका यूज हुआ 63 मीटर लेंथ यूज हुआ है ना। हमें निकालना यही था कि व्हाट लेंथ ऑफ टॉरपोलिन 3 मीटर वाइड, तो टॉरपोलिन का कितना लेंथ का प्रयोग करके हमने इस कोन को बनाया, तो टॉरपोलिन के 63 मीटर के लेंथ का प्रयोग करके हमने क्या बनाया इस कोन को बनाया। क्वेश्चन समझ में आ गया, एक बार अच्छे से सारा क्वेश्चन देख लीजिए, और कोई भी कन्फ्यूजन हो, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें शेयर करिए, ऐसे ही हम सभी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और आगे आने वाले समय में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्वाड्रिलेटरल और ट्रायंगल जैसे बेहतरीन क्वेश्चंस की भी सीरीज हम शुरू करेंगे। ओके डियर, तो इसे करिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके सो माय डियर स्टूडेंट, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए द स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ द कोनिकल टॉम्ब आर 25 मीटर एंड 14 मीटर, कह रहा है कि द स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर, पहला क्या दिया हुआ है स्लैंट हाइट दिया हुआ है, और जो दूसरी बात कह रहा है वो बेस डायमीटर की बात कर रहा है, तो इस तरह से एक कोनिकल टॉम्ब होगा आपका, ठीक है। तो इस कोनिकल टॉम्ब में देखा जाए ये आर हो गया, ये एल हो गया, स्लैंट हाइट हो गया, इसको रेडियस बोलते हैं, ये हमारा हाइट होता है, ठीक है। कह रहा है द स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर, तो स्लैंट हाइट कितना दे रखा है हमारा, स्लैंट हाइट को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, एल होता है स्लैंट हाइट, एल दे रखा है 25 मीटर, क्योंकि कह रहा था ऑफ द कोनिकल टॉम स्लैंट हाइट 25 मीटर एंड बेस रेडियस बेस 14 मीटर, क्या दे रखा है डायमीटर दे रखा है, डायमीटर कितना दे रखा है, डायमीटर दे रखा है 14 मीटर दे रखा है, डायमीटर 14 मीटर, तो रेडियस जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है, तो रेडियस हो जाएगा 7 मीटर। कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, वाइट वॉशिंग करने का कॉस्ट निकालिए, इट्स कर्व सरफेस एरिया, ऐसे कर्व सरफेस एरिया का, तो कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल टॉम्ब निकाल लें, कोनिकल टॉम्ब कर्व सरफेस एरिया क्या होता है कोन का, बताओ फॉर्मूला बताइए, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर एल, क्या होता है पाई आर एल,
पाई का वैल्यू कितना रखना है 22/7, रेडियस कितना दिया हुआ है 7, और स्लैंट हाइट कितना दिया हुआ बच्चों 25, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 25 टू 50 और 5 कितना 55 किस में, सेंटीमीटर में है ना ये, तो मीटर में है तो 550 मीटर स्क्वायर, ये कर्व सरफेस एरिया आ गया, ये आ गया आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल टॉम। ठीक है, ये आ गया आपका कर्व सरफेस एरिया आ गया ना, तो ये कर्व सरफेस एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया। फिर क्या कह रहा है, चूंकि कह रहा था फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्व सरफेस एरिया, तो कॉस्ट निकालने के लिए सबसे पहले हमें कर्व सरफेस एरिया चाहिए था, तो हमने कर्व सरफेस एरिया इसका निकाल लिया। फॉर्मूला क्या था, पाई आर एल, पाई का वैल्यू 22/7 × 7 × 25, 7 से 7 कट गया, 25 और 22 का मल्टीप्लाई हुआ, 550 मीटर स्क्वायर आ गया। फिर क्या कह रहा है, कह रहा है एरिया एट द रेट ऑफ 210 रुपीज पर 100 मीटर स्क्वायर, कह रहा है टोटल कॉस्ट निकालिए। अब देखिए समझिएगा ध्यान से, टोटल इसका कर्व सरफेस एरिया कितना था 550 मीटर स्क्वायर, और कह रहा है ये कि 100 मीटर स्क्वायर का कितना रुपया लगता है, 210 रुपये लगता है। यानी इफ कॉस्ट ऑफ, यहाँ लिखिए इफ कॉस्ट ऑफ 100 मीटर स्क्वायर, यदि 100 मीटर स्क्वायर का पैसा कितना लगा, कितने रुपये लगे, 210 रुपये लगेगा, तो 1 मीटर स्क्वायर का तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितना लगेगा, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा कितना, 210/100। बताइए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई, देखिए 100 मीटर स्क्वायर का 200 रुपये लग रहा है, तो 1 मीटर स्क्वायर का कितना रुपये लगेगा निकाल लीजिए, तो देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 21 को 10 से डिवाइड करेंगे ना, तो यह आ जाएगा 2.1 रुपीज़, ये रुपये में आएगा। देखिए अब 1 मीटर स्क्वायर का कितना रुपया लग रहा है, 2 रुपया 10 पैसा, मान लीजिए 2 रुपये, 2.1 रुपीज़ लग रहा है 1 मीटर स्क्वायर का, तो हमारा इसका टोटल एरिया कितना है, 550 मीटर स्क्वायर एरिया है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ, यानी करिए टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द कोनिकल टॉम, द कोनिकल, तो इस कोनिकल टॉम्ब को वाइट वॉश करने का टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, टोटल एरिया कितना 550 मीटर स्क्वायर टोटल एरिया, और 1 मीटर स्क्वायर है कितना रुपये, 2.1 रुपये, तो इसमें 2.1 क्या कर दें हम, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस जीरो से ये डेसिमल खत्म हो जाएगा, 55 × 21 आ जाएगा, तो 55 × 21 मल्टीप्लाई कर लें, 55 × 1 = 55, और ये 2 × 5 = 10, 2 × 5 = 10 और 1 = 11, ठीक है ना, कितना आ गया 55 हो गया 11 55 रुपीज़ हो गया, कितना आ गया 1155 रुपये आ गए, यानी टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग कितना निकल गया 1155 रुपये, किसका, इस क्वेश्चन नंबर 6 का। मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को आप बेहतर ढंग से समझ पाए होंगे, तो माय डियर स्टूडेंट थैंक यू सो मच, और नेक्स्ट डे हम इसकी नेक्स्ट सीरीज लाएंगे। प्यारे बच्चों देखिए आपके बिना कुछ भी संभव नहीं है, आप चाहेंगे ना तो ये चैनल बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर जाएगा, प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करिए, ताकि बहुत सभी बच्चों तक ये क्वेश्चंस पहुंच पाएँ, अच्छे से अच्छे बच्चे भी इसको देख पाएँ, समझ पाएँ और सीख पाएँ। थैंक यू सो मच, जय हिंद।